हेलो साथियों, तो आप लोगों का स्वागत है आपके अपनी इस वीडियो पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों ने काफ़ी सारी वीडियोज देखी होंगी और आप लोग यूपी पुलिस के रिजल्ट के निकलने का इंतजार कर रहे होंगे कि आखिर यूपी पुलिस का रिजल्ट कब तक आएगा, और बहुत से लोगों के मन में ये भी डाउट होगा कि आखिर कट ऑफ कितनी जाएगी। तो दोस्तों, ये क्लियर तो मैं नहीं बता सकता कि कट ऑफ कितनी जाएगी। हालांकि आपने बड़े बड़े यूट्यूब चैनल वालों को देखा होगा, जैसे एग्जाम्पो और RRW हुए, उन्होंने तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई भी बता दी थी। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे, छोटे छोटे यूट्यूब चैनल, और कुछ ऐसे पुलिस वाले थे जो यूट्यूब चैनल चलाते हैं, उन्होंने भी बताया। उनके हिसाब से किसी के हिसाब से 200 जा रही है, तो कोई 190, कोई 195, कोई 175, इस तरीके की कट ऑफ जा रही है। तो दोस्तों, एकदम क्लियर कट ऑफ तो कोई नहीं बता सकता, सब अनुमान से बता रहे हैं। हालांकि मैं बता दूं कि मैंने भी यूपी पुलिस का एग्जाम दिया था, तो मेरा किस शिफ्ट का एग्जाम था, मैं किस कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ, ये सारी जानकारी मैं आपको बताऊंगा। और दोस्तों, आप लोग भी गैस करिएगा कि आखिर कितनी कट ऑफ जा सकती है, रिजल्ट कब तक आएगा। वैसे मुझे भी क्लियर पता नहीं है, तो मैंने सोचा क्यों ना ऐसी इसी के ऊपर एक वीडियो बनाई जाए, जिससे कि आप लोगों से भी बातचीत हो सके कि आप लोगों के कितने नंबर हैं। तो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अपने नंबर जरूर बताइएगा कि आप लोगों को कितने नंबर आए हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि मेरा जो एग्जाम हुआ था, मैं आप लोगों को एक और बात बता दूं कि काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि जिनका एग्जाम 23 की और 24 की शिफ्ट में हुआ था, तो उनको नॉर्मलाइजेशन काफ़ी अच्छा मिलेगा, 20-20 नंबर तक मिल सकते हैं। अब कितना मिलता मुझे नहीं पता, तो मैं आपको लेकिन बता दूं कि मेरा जो एग्ज़ाम हुआ था, ये 23 की फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था, और मेरे नंबर कितने थे वो भी बताता हूँ। तो मेरे नंबर थे 192 नंबर आए थे, और मैं OBC कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ। ठीक, मैं OBC कैटेगरी से आता हूँ, और ये मेरे यूपी पुलिस में 192 नंबर अभी बन रहे हैं। तो अब देखो कट ऑफ कितनी जाती है, 23 की फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम था, अब देखो क्या होता है। बाकी दोस्तों, आप लोगों के कितने नंबर आए थे और आप लोगों की कैटेगरी क्या है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, जिससे कि मुझे भी पता चल सके आप सब लोगों का स्कोर, और कमेंट बॉक्स में आने के बाद काफ़ी और लड़कों को पता चलेगा। तो करिएगा ज़रूर दोस्तों, अच्छा लगता है। बाकी दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि रिजल्ट कब तक आएगा? वैसे अब देखो, आज 27 तारीख हो चुकी है, हो सकता है शाम तक आ जाए, हो सकता है कल 28 को, 29 को, 30 को, या फिर हो सकता है दीपावली धमाका, एकदम दीपावली के दिन रिजल्ट आ जाए। भाई रिजल्ट अब कभी भी आ सकता है। तो आप सभी लोग रनिंग तो कर ही रहे होंगे, हालांकि रनिंग करने मैं भी जाता हूं, तो मैं बताऊंगा कि मेरी रनिंग कितनी आ रही है, और आप लोग भी बताइएगा कि आप लोगों की इस टाइम जो रनिंग है ये कितने टाइम की आ रही है। ठीक है, मैं आपको बता दूँ, मेरे जो 12 चक्कर हैं वो इस टाइम 24 मिनट, कभी कभी 24 मिनट में हो जाते हैं, कभी कभी 24 मिनट 30 सेकेंड भी रनिंग में लग जाते हैं। बाकी दोस्तों, आप लोग भी बताइएगा कि आप लोगों की जो रनिंग है वो कितने टाइम पर आ रही है। गर्ल्स हैं तो वो भी बताइएगा, उनके साथ 6 चक्कर हैं, उनको 6 चक्कर लगाने हैं। और साथियों, बहुत लोगों के मन में ये भी डाउट होगा, जिन लोगों के नंबर अच्छे हैं लेकिन हाइट कम आ रही है, दोस्तों ये सिचुएशन से मैं भी गुजर रहा हूँ, क्योंकि मेरे जो नंबर हो सकता है कि रनिंग लिस्ट में मेरा नाम आ जाए, तो लेकिन जो हाइट वाली प्रॉब्लम है, वो मेरी हाइट है तो पूरी 168, लेकिन फिर भी यार डर लगता है कि कहीं पता नहीं पॉइंट वॉइंट उस टाइम एकदम कम ना हो जाए और रनिंग से बाहर ना कर दिया जाऊं। दोस्तों, क्या आप लोग भी इसी टाइप की समस्या से अगर गुजर रहे हैं, तो दोस्तों कमेंट में बताइएगा आप लोगों को क्या लगता है रिजल्ट कब तक आ जाएगा। देखते हैं, आज शाम तक आता है, कल आता है, परसों आता है, या नर्सों, या दीपावली के दिन आता है। बाकी दोस्तों, देखते हैं कब तक रिजल्ट आता है। और दोस्तों बताइएगा कि आप लोगों की कौन सी शिफ्ट में और किस कैटेगरी से आते हो, और आपके नंबर कितने हैं, और आपका जो रनिंग का टाइम है वो कितना आ रहा है, भले ही वो गर्ल्स हो या बॉयज़ हो, बताइए कमेंट में। बाकी दोस्तों, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।